ये हादसा यहाँ पेश आ गया। एक मिनट रुको ना साहब, सर ये भी देखिए पब्लिक क्या कर रहे हैं इस वक्त। बहुत ही दिलदोस ये वाकया यहाँ पेश आया, बहुत ही दर्दनाक ये सारा मामला यहाँ गंडबल बंटवारा में पेश आया है। हम आज यहाँ तमाम उन फैमिली से ताजियत करने, उनको मिलने, उनका दुख बांटने यहाँ गंडबल बंटवारा श्रीनगर में आए हैं। बहुत ही तकलीफ देने वाला, बहुत ही दुख देने वाला ये हादसा यहाँ पेश आया, हमें बहुत तकलीफ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी खुद यहाँ पहुँचे, तमाम फैमिलीज के साथ इस दुख और गम के इस मौके पर हम उनके साथ खड़े हैं। बहुत ही तकलीफ, बहुत ही दर्दनाक हादसा यहाँ गंडबल में पेश आया और आज हम यहाँ तमाम उन फैमिली से मिल रहे हैं जिन्होंने अपने लखते जिगर इस दर्दनाक हादसे में खोए हैं। हमें बहुत तकलीफ है, पूरा जम्मू कश्मीर गमजदा है, पूरे लोग जिस जिसने भी ये खबर सुनी, तमाम लोग इस दर्दनाक हादसे में जो भी यहाँ अपना इजहार ख्याल दुख गम के इस वक्त फैमिलीज के साथ कर सकता है, सब कर रहे हैं। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी यहाँ गंडबल पहुँचे हैं। जो भी जिस जिसने भी इस खबर को सुना उसको बहुत तकलीफ हुई, बहुत ही दिलदोस ये वाकया यहाँ गंडबल श्रीनगर में पेश आया है। हम भी तमाम जो फैमिलीज हैं, जो विक्टिम फैमिलीज हैं, उनके गम में शामिल हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तमाम विक्टिम फैमिलीज को ये भरोसा दिलाया है कि जो भी मदद सरकार की तरफ से होगी वो इन तमाम विक्टिम फैमिलीज जो गंडबल बंटवारा के यहाँ रहने वाले हैं उनकी हर किस्म की मदद इमदाद जो सरकारी होती है वो की जाएगी। वो कीमती जाने जो कश्ती के हादसे का शिकार हो गई वो तो नहीं वापस आ सकती, लेकिन जो विक्टिम फैमिलीज हैं जिन्होंने श्रीनगर शहर के इस गंडबल इलाके में अपने लखते जिगर मासूम बच्चों को और अपने घर के फैमिली मेंबर्स को खोया है, उनके दुख में भी हम शामिल हैं और सरकारी तौर पर जो जो मदद इमदाद इन विक्टिम फैमिलीज की होनी चाहिए वो यकीनन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करेंगे। मोबाइल है।